वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मुमताज बानो व्लॉग। YouTube हिस्ट्री में पहली दफा अ सीरीज ऑफ वीडियो ऑन डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ये सब आप जानेंगे मुमताज बानो व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब, ठीक ठाक हैं? और फ्रेंड्स, आज की वीडियो है, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बहुत से बहन भाई बार बार पूछ रहे थे कि प्लीज़ बताएं कि इस मशीन में कितना जो है हम कपड़े ऐड कर सकते हैं, कितना लोड डालना है और कब ये ओवरलोड हो जाती है, तो आइडिया नहीं हो रहा है। मैंने हैवी लोड जब वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको उस वक्त बताया था अच्छे से, लेकिन अगर आपने नहीं गौर से सुना तो कोई बात नहीं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आज मैं स्पेशली मैंने वीडियो इस पर बनाई है ताकि आप सबको आइडिया हो सके। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, आपको बताती हूँ, आपने गौर से पूरी वीडियो देखनी है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कितना वेट ऐड करना है। मेरे पास जो मशीन है वो 8.5 kg की, तो मैं उस हिसाब से वेट ऐड करूँगी, आपने अपनी मशीन के हिसाब से वेट ऐड करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो वीडियो है स्पेशली वो उन बहन भाइयों के लिए है जिनको आइडिया नहीं होता कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में उन्होंने कितना लोड डालना है, तो वो बार बार पूछते हैं बताएं कितना डालना है। अब आपने अपनी मशीन के हिसाब से डालना है, तो अभी मैं आपको एक आइडिया बताने लगी हूँ टेक्निक, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। अभी देखिए मेरे पास इतने कपड़े हैं और ये गर्म कपड़े हैं, और अभी मैं आपको मशीन की तरफ लेके चलूँगी, टब की तरफ, ताकि आपको बताऊँ कि आपने कितना इसमें लोड डालना है। तो मशीन की तरफ हम आ गए हैं, मेरा जो है ये टब है मशीन का वो है 8.5 kg का, ठीक है। इसमें तकरीबन 8.5 kg वेट आता है, लेकिन अगर आपको अंदाज़ा नहीं होता तो हम 1 by 1 इसमें कपड़े ऐड कर रहे हैं। ये देखिए, इसमें बड़े साइज़ की पैंट, छोटे साइज़ की पैंट, इवन की कोट है, देखें जर्सियाँ भी हैं, वो सभी मैं मिक्स करके ऐड कर रही हूँ। खोल के आपने कपड़ों को ऐड करना है, ओवरलोड आपने नहीं करना, जाहिर आपकी अपनी मशीन है, ख़राब हो जाएगी जितना आप उस पर ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड डालेंगे। और अभी ये जितना जो है ना ये लोड ये काफ़ी है। ये देखिए आपका जो टब है वो आपकी जो इसको आपने थोड़ा सा ज़रा दबा के देखा, कपड़ों को दबा लेना है तो आपको आइडिया होगा। ये देखिए अभी टब ऊपर से काफ़ी हद तक इतना इतना खाली है, इतना आपने छोड़ना है इसको खाली, इसलिए क्योंकि इसमें पानी भी आना है, झाग वगैरह बननी है, इसने इनको इसी जो है कैपेसिटी के अंदर रिंस करना है। तो तकरीबन अगर देखा जाए तो 4 सूट आ जाते हैं, गर्म कपड़े हों तो आप छोटे बड़े क्योंकि गिन के डालने होते हैं, तो आप ये मैक्सिमम नहीं कर सकते कि जी 4 बच्चों के सूट डाल दें या बड़ों के डाल दें। तो उसके लिए बेस्ट आइडिया ये है कि आप देख लें आपका जो मशीन का टब है वो तकरीबन जो है हाफ टब से थोड़ा सा कम है जो कि खाली है, यानी कि ये देखें फ़िल्टर जो है अभी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये तरीका है जी इनको जो है अंदाज़ा लगाने का कि आपने मशीन में कपड़े कितने डालने हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालने, आपके ये जो फ़िल्टर है ये नज़र आने चाहिए, आपके जो फ़िल्टर तक जो है कपड़े होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो लाइक अगर मैं इसी के ऊपर भी, मेरे पास ये देखिए मज़ीद कुछ कपड़े हैं, अगर मैं इनको ही ऐड करती हूँ तो ये देखिएगा अभी ये ओवरफ्लो है, अभी ये मैंने ओवरलोड कर दिया इसको, ठीक है, ओवरलोड हो गई। ये देखिए मेरे फ़िल्टर जो हैं वो मशीन के नज़र आने बंद हो गए हैं, ओवरलोड है, यहाँ तक ये टब ऑलरेडी भर चुका है, तो इसमें अभी पानी भी जाना है, ये घूमेगी भी मशीन, तो रिंस करते हुए या स्पिन करते हुए कपड़े भी बाहर आ सकते हैं, मशीन को नुकसान हो सकता है, तो ये आपने नहीं करना है। तो ये हम एक्स्ट्रा कपड़े जो थे अभी निकाल लेंगे, तो इतने कपड़े ये देखें ये ओके हैं, काफ़ी हैं। तो बस आपने यही रफ आइडिया लगाना है कि आपके ये जो फ़िल्टर हैं ये नज़र आएँ जब कपड़े धुलते हैं, तो ये फ़िल्टर जो है आपको पता है रुआ इसके अंदर जो जाता है, तो इतने होने चाहिए, इन फ़िल्टर से ऊपर कपड़े नहीं होने चाहिए। अभी मैं आपको ये चला के भी दिखा देती हूँ कि मशीन कैसी चलेगी जब आप इतना लोड डालते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं और ये प्रोसेस हमारा शुरू होने लगा है। ये देखिए वाटर का फ्लो देख रहे हैं आप कितना अच्छा है आपका जो है ना, अगर वाटर का फ़्लो मशीन का अच्छा होना चाहिए, अगर नहीं अच्छा है तो वाटर सेंसर का प्रॉब्लम हो सकता है। एरर वाली मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताई थी कौन कौन से एरर आते हैं, आपने उनको चेक कर लेना है। सेकंड जो है ये वाटर इनलेट, मेरी एक सिस्टर कह रही थी इसको आपने चेक करना है कि ये गंदा ना हो तो वाटर का फ़्लो कम हो जाता है। तीसरा आपने चेक कर लेना है पीछे से टैप खुला हुआ हो, ठीक है। फ्रेंड्स ये देखें अभी मैं जो है वूल वॉश कर रही हूँ क्योंकि वूल के कपड़े थे और वूल वॉश में बहुत अच्छे से जो है कपड़े स्पिन होते हैं स्पेशली, और इसमें आप देख सकते हैं वाटर लेवल अभी कितने आराम से जो है मशीन घूम रही है,
मैक्सिमम कपड़े जितने इसमें डाल सकते थे उतने हमने डाले हुए हैं और बहुत अच्छे से मशीन जो है वो चल रही है। वूल वॉश में ये जो है साथ साथ आप समझ लें सोक वाली ऑप्शन भी है इसके अंदर, ये थोड़ी देर रुकती है उसके बाद चलती है और इसलिए टाइम ज़्यादा ये ले रही है, लेकिन ये है कि इसमें वूल के कपड़े बहुत अच्छे से स्पिन होते हैं, बहुत अच्छे से खुश्क होते हैं। वूल के कपड़ों के लिए बेस्ट ऑप्शन है और वूल की मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कि वूल वॉश कैसे करना है वो चेक कर लीजिएगा अगर आपको सेटिंग के हवाले से कोई हेल्प चाहिए हो तो। तो ये आपको लोड का होपफुली अंदाज़ा हो गया होगा कि ये देखिए इसमें ये मैक्सिमम लोड है और अभी वाटर लेवल 9 है, मैक्सिमम 10 होता है, मैं 10 भी कर सकती हूँ लेकिन ज़रूरत नहीं है, जो 9 लेवल मैंने रखा है वो ओके है। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आप कितना लोड जो है वो डाल सकते हैं। अगर मैं आपको ज़रा पास से दिखाऊँ, ये देखें टब से जो है वो बना हुआ प्लास्टिक बॉडी उसके नीचे नीचे ही है, अभी जो फिल्टर हैं पानी वाले वो डूब चुके हैं, फ़िल्टर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये मैक्सिमम लोड है जो आप इसमें डाल सकते हैं और मैं आपको दिखाऊंगी ये स्पिन भी इसमें होता है और कितने अच्छे से जो है ये सारा स्पिन हो जाएगा, ओवरलोड नहीं है और इसमें स्पिनिंग के दौरान कपड़े बाहर नहीं निकलेंगे। अभी क्योंकि ये वाटर है, वाटर की वजह से कपड़े ऊपर आए हुए हैं। और फ्रेंड्स अभी मैं आपको दिखाऊंगी जब ये स्पिन करेगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मैक्सिमम लोड है जो हम 8.5 केजी में डाल सकते हैं, उसके साथ जब ये स्पिन करेगी तो किस तरह से करती है। देखिए ये पहले 2-3 दफ़ा इस तरह से रुकती है तो उस वक्त ये अपना वेट जो है उसको बैलेंस कर रही होती है। जब इसको मशीन को आइडिया हो जाता है कि वेट बिल्कुल बैलेंस हो गया उस वक्त ये अपनी मैक्सिमम स्पिनिंग स्पीड पे जाती है। अभी आप देख सकते हैं कपड़े स्पिन हो रहे हैं और ये बिल्कुल जो है टप के ऊपर नहीं आए हैं, बिल्कुल नीचे हैं और ये मैक्सिमम लोड है जो हमने इसमें डाला हुआ है इस वक्त। ज़्यादा लोड आपने नहीं डालना है इसलिए क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लोड होगा तो वो टप से बाहर आ जाएंगे, ग्लास को लग सकते हैं, ग्लास भी टूटेगा और कोई इंजरी का खदशा भी हो सकता है, तो इसलिए चाहे 2 दफ़ा धो लिया करें लेकिन बहुत ज़्यादा ओवरलोड आपने नहीं करना है मशीन को। होपफुली फ्रेंड्स आपको आइडिया हो गया होगा। अभी ये स्पिनिंग हो गया है, मज़ीद प्रोसीजर दिखाने का आपको फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपने इसी चीज़ का आइडिया करना था कि कितना लोड है और वो किस तरह से स्पिन कर रहा है। फ्रेंड्स यही तरीका है, इसी तरीके से आपने चाहे आप ब्लैंकेट धोना चाह रहे हैं, कम्फर्टर धोना चाह रहे हैं अपनी मशीन में, तो आपने डाल के आइडिया करना है कि 1/4 हिस्सा जो है टब का वो खाली होना चाहिए, तो आपने अपने टब के हिसाब से जायज़ा लेना है। जी फ्रेंड्स ये तो थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर पूछिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पेट्रोल महंगा हुआ सब तड़प उठे, गोलगप्पा 7 रुपए का हो गया उसकी किसी को टेंशन ही नहीं।